तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स एंड रिलेशनल डेटाबेस फीचर्स। तो इसमें डेटाबेस के फीचर्स भी रहेंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स भी रहेंगे, जैसे हम पढ़ चुके हैं इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो डेटाबेस के साथ साथ जो डेटाबेस के फीचर्स हैं उनके साथ साथ इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स भी ऐड हो जाएंगे। तो हमने जैसे देखा था रिलेशनल डेटाबेस के फीचर्स क्या होते हैं कि उसमें इंटीग्रिटी रहती है, कॉन्करेंसी रहती है और क्वेरी प्रोसेसिंग रहती है। इसलिए यहाँ पर दोनों की कंसेप्ट हैं, जो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट पढ़ चुके हो और जो रिलेशनल डेटाबेस में आप पढ़ोगे, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल डिज़ाइन किया गया है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल ODM या इसे सिमेंटिक डेटा मॉडल भी बोलते हैं, ये क्या है, टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देयर वॉज ए नीड फॉर ए डेटा मॉडल दैट इज मोर क्लोजली रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए अगर हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करना है तो उसको उसके लिए अगर आपको डेटाबेस डिज़ाइन करना है, उन एप्लीकेशंस के लिए जो डेटाबेस डिज़ाइन करना है, तो उसमें डिफ़िकल्टी आती थी। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट किसकी आई कि ऐसा डेटा मॉडल होना चाहिए जो रियल वर्ल्ड के कंसेप्ट को इजीली रिप्रेजेंट कर सके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इजीली। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल बोथ डेटा एंड देयर रिलेशनशिप आर कंटेन्ड इन अ सिंगल स्ट्रक्चर नोन एज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स का यूज़ होगा जिसमें डेटा और उसकी रिलेशनशिप सिंगल स्ट्रक्चर में होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हम टर्म यूज़ करेंगे वो एक ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर एंटिटी टर्म नहीं यूज़ करके ऑब्जेक्ट टर्म यूज़ होगा विच कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड देयर रिलेशनशिप। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट्स विथ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव मल्टीपल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिनके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी मल्टीपल रिलेशनशिप होती है अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में। तो फर्स्ट होता है ऑब्जेक्ट्स, ये सब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हो, बट इन शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ कि ऑब्जेक्ट्स क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसे ऑब्जेक्ट नाम देते हो। जैसे टेबल है तो टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके एट्रीब्यूट्स हैं लेंथ, हाइट, वेट। इसको हम इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो हर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हम, हर रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट डेटा एंड कोड इनटू अ सिंगल यूनिट विच प्रोवाइड्स डेटा एब्स्ट्रैक्शन बाय हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में डेटा और उसका उस डेटा और फंक्शंस रहते हैं उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही यूनिट में, जिससे हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं यूज़र को। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि डेटा पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे ये हम डिटेल यूज़र से हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इंक्लूड एट्रीब्यूट्स नेम, रोल नंबर, सेमेस्टर, ब्रांच, ETC। नेक्स्ट इज मैथड्स। The behavior of the objects is represented by using methods. Method represents a real world action such as finding a selected student's name, changing a student's name, calculating percentage, attendance, etc. तो method क्या बताता है objects के behavior को, ठीक है। तो बिहेवियर मतलब कि एक्शन या ऑपरेशन क्या क्या ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। जैसे अगर सपोज से एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो अगर आप एक स्टूडेंट का नेम सर्च कर रहे हो तो सर्च करने के लिए आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट के नेम को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक अपडेट ऑपरेशन बनाना पड़ेगा। आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो आप उसके लिए ऑपरेशन बनाओगे, ठीक है। तो हर ऑपरेशन जो ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म हो सकता है उसे मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्लास। अ क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स विथ शेयर्ड स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। तो क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होती हैं। जैसे स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स सपोज S1 S2 हैं, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हो गए।
तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जो क्लास होती है वो किसके कलेक्शन, किसका कलेक्शन होता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का जिनका शेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। मतलब चाहे एस वन स्टूडेंट हो उसमें भी नेम, रोल नंबर और सर्च और अपडेट ऑपरेशन होंगे, एस टू स्टूडेंट में भी यही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उनमें एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस दोनों में ही सेम टाइप के होंगे, बट उनकी वैल्यू अलग हो सकती है। एस वन का नेम अलग हो सकता है, सपोज आशीष, एस टू का नाम हो सकता है नेहा, ठीक है। तो उनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, बट जो वो स्ट्रक्चर यानी कि उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस होंगे वो सेम होंगे दोनों ही स्टूडेंट में। और ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ क्लास भी बोलते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर दी वेरिएबल्स ऑफ क्लास। तो जैसे यहाँ पर क्लास स्टूडेंट बनाई है, इसमें एट्रीब्यूट्स है नेम, रोल नंबर, और इसके मेथड्स हैं वॉइड सर्च और वॉइड अपडेट। तो अगर आप इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट एस वन कॉमा एस टू सेमी कॉलन। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, यूजिंग इनहेरिटेंस ए न्यू क्लास कैन इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ ए ऑफ द ओल्ड क्लास। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो भी नई क्लास होगी वो उसके पास ओल्ड क्लास के एट्रीब्यूट और मेथड्स इनहेरिट होके आ जाएंगे। जैसे सपोज पर्सन क्लास बनी हुई है, ठीक है, और अगर हम स्टूडेंट क्लास, डॉक्टर क्लास, इंजीनियर क्लास बना रहे हैं तो पर्सन के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो इन सभी के पास आ जाएंगे। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो भी नई क्लास बनती है ओल्ड क्लास से, ओल्ड क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स उन न्यू क्लास में इनहेरिट होके आ जाते हैं। UML and XML are mainly used to represent the structure of class, object, attributes and methods of object-oriented data model. यहाँ पर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज और एक्सटेंडेड मॉडिफाइड लैंग्वेज का यूज होता है क्लास, ऑब्जेक्ट और उनके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर UML के अकॉर्डिंग अगर हम ये इनहेरिटेंस शो करना चाहें तो ये पर्सन है, ये क्लास है, और इसके एट्रीब्यूट्स है नेम और एज, और इसमें फंक्शन मेथड क्या है, सेट नेम। इससे थ्री क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं स्टूडेंट, जिसके एट्रीब्यूट्स है रोल नंबर और ब्रांच, और मेथड है सेट मार्क्स, और डॉक्टर, डॉक्टर के एट्रीब्यूट्स है डॉक्टर आईडी और स्पेशलिस्ट और काउंट ऑपरेशन, ये इसका मेथड है। इंजीनियर क्लास है, उसमें एट्रीब्यूट्स है इंजीनियर आईडी, डिपार्टमेंट और काउंट प्रोजेक्ट्स नंबर, कितने उसने प्रोजेक्ट परफॉर्म किए उनको काउंट करना है। इसमें क्या हो रहा है कि UML नोटेशन में क्लास को फर्स्ट पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं, फिर मेथड्स लिखे जाते हैं, और इस टाइप से इनहेरिटेंस को शो किया जाता है।